हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं प्री वर्कआउट C4 के बारे में। जी हाँ, हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि ये प्री वर्कआउट किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जिम जाके वर्कआउट करते हैं तो आपको सप्लीमेंट की नॉलेज तो रखनी ही चाहिए, और अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए ही है, आप सही जगह पे आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। C4 प्री वर्कआउट सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्री वर्कआउट है। ये किस काम आता है ये हम आपको बताते हैं। जो इसका मेन काम ये होता है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो ये आपको अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा और आप हैवी लिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आपका ध्यान आपके वर्कआउट पर ज़्यादा लगने लगेगा। पहले अगर आपका ध्यान भटक जाता तो आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकेगा नहीं। इसकी हेल्प से आपकी जो मसल है वो भी पंप होने लगेगी और आपकी जो मसल की रिकवरी है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो ये इसके बेसिक्स काम है जो ये आपके लिए हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। वेल, अब इसके डोसेज की अगर बात की जाए तो इसका एक सर्विंग साइज जो होता है 5.7 ग्राम का है और टोटल इसमें आपको 60 सर्विंग्स दी जाती है। ये काम किस प्रकार से करता है ये भी जान लेते हैं। ये जो C4 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी बूस्टिंग प्री वर्कआउट में ऐसे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है जो आपके मसल को बहुत जल्दी फास्ट रिकवर तो करते ही हैं। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो बहुत ही फास्ट होता है, इसका रिएक्ट बहुत ही फास्ट होता है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपके शरीर में एनर्जी फील होती है आपको और आप हैवी लिफ्ट करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। C4 के अंदर क्या ऐसे खास इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट होता है वो है बीटा एलाइन जो इसमें मात्रा दी गई है 1600 mg है, जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। बीटा एलाइन का क्या ये काम होता है, ये आपके मसल को फास्ट रिकवर करता है और आपकी जो थकान होती है एक्सरसाइज करने के बाद वो थकान को भी रिकवर कर देता है और आपके मसल को ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो इसमें क्रिएटिन नाइट्रेट भी डाला गया है, करीब 1000 mg का इसमें डोज है क्रिएटिन नाइट्रेट का। जब आप क्रिएटिन नाइट्रेट लेते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, तो उसको लेने के बाद आपकी पावर बढ़ जाती है, आपकी बॉडी के अंदर फोस्फोक्रिएटिन की जो मात्रा होती है वो पहले से कई गुना बढ़ जाती है, तो इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इसमें एलार्जिनिन भी है। आर्जिनिन आपके ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड को लेवल को बढ़ा देता है। जब आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो लेवल होता है ब्लड में वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट होते हैं, आपके फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो सब इजीली फ्लो कर पाएंगे, आपके मसल तक पहुँचेंगे, तो रिकवरी भी फास्ट होगी, मसल की ग्रोथ भी होगी, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड, अभी तक तो मैं इसके बहुत सारे बेनिफिट बता सकता था, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है, अगर मैं वो सारे बेनिफिट आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। सो गाइस, मैंने इसे चारों तरफ देखा, मेरे को MRP तो कहीं पे मिला नहीं। इसके अंदर आपको स्कूप मिलेगा 5.7 ग्राम, वो आप मेजर करके ले सकते हैं। और इसकी स्मेल रियली गाइस, वो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ, जब आप इसे पानी में डाल के पीते हैं तो इसका सिप लेते हैं तो आप फिर उस टाइम पे ज्यादा पता नहीं चलता है, बट फिर भी गाइस अब इसके कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में सबको जानना चाहिए अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये है कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो लोग की उम्र 20 साल से कम है तो उन्हें ये सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये सप्लीमेंट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, बहुत सीरियस है अपने गोल को लेके, उनकी फिजिक्स को लेके उनके रिजल्ट नहीं आ रहे, उनका काम से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरत पड़ती है प्री वर्कआउट की। हर किसी को अपनी बॉडी को इसमें आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको इसकी एक बार आदत लग गई तो फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन डाला जाता है। कैफीन ज़्यादा लेने से आपकी जो नींद होती है, नींद के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आपको टाइम पर नींद नहीं आएगी, जब आप सोना चाहेंगे उस टाइम नींद नहीं आएगी, आपको दिन में नींद आएगी, तो फिर ये भी आपके लिए नुकसान है। सेकंड, जिन लोगों को भी हार्ट पेशेंट है, जिन लोगों को हाई BP की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ऐसे लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये लेने के बाद उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और जिन लोगों को पहले से प्रॉब्लम है तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज, इसको कभी भी आपको लेना है तो आपको तुरंत खुद से जाके परचेस ना करें, पहले डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर करें, उसके बाद ही आप इस सप्लीमेंट को खरीदें।
तो बिकॉज इसमें बहुत सारे वार्निंग दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चे और जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें भी नहीं लेना है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें भी नहीं लेना है। तो इन सारी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है गाइस। तो इसका रिव्यू तो हमने कर दिया आपको, उसको फायदे नुकसान दोनों भी इसके बता दिए। अब इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस आपको मिलती है लगभग 2,999 रुपये के आसपास, 2,800 या फिर 3,000 रुपये की रेंज के अंदर ये आपको मिल जाता है। इजीली आप इसे परचेस कर सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। अगर आपको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। सो मैंने अपना काम कर दिया है, आपको मैंने नॉलेज दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ आपके लिए, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ बी हेल्दी इंडिया। सो अभी आप आपका काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, आगे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाएंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, जानकारी पहुंचाएंगे, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।